ओह माय गुडनेस, नाम क्या है तुम्हारा? अरुण जैन। बात करी थी जल्स के बारे, रघु, राजीव एंड रणवीर जे। अभी आपको ना जाना पड़ेगा, वो आपके सामने बैठे होंगे एंड ऑफ कोर्स आप पूरा दिन इमेजिन कर रहे हैं कि यू नो वो हमारे सामने होंगे, मैं उनको ऐसे बोलूँगा। फिर जब आप अंदर जाते हो ना तो सिचुएशन इज कम्प्लीटली 360 डिग्रीज डिफरेंट ऑफ व्हाट यू थॉट। आई एम कॉन्फिडेंट कि व्हाटएवर आई हैव थॉट आई मे नॉट बी एबल टू स्पीक दैट बट आई विल बी कॉन्फिडेंट देयर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाय। टोपी उतार। हाँ जी बताइए अपने बारे में। तो मेरा नाम तरुण जैन है, मैंने इसी साल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। आई वाज अपॉइंटेड एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज और वो उसके लिए भी मैं रोडीज़ को थैंक्स करता हूँ बहुत ज़्यादा। क्यों है तेरे को इतना क्रेज़ रोडीज़ का? मुझे रोडीज़ का क्रेज़ इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मैं रोडी 6 में तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी शायद डेली ऑडिशंस में और क्या कहते हैं हम लोग रात को 2 बजे के आए हुए थे। अभी बहुत फन हो रहा था, बाइक स्टंट्स हो रहे थे, गाड़ियों से लोग स्टंट कर रहे थे। तो उस टाइम पहली बार हुआ था कि यार मतलब क्रेज़ हो गया था क्योंकि मैं कर नहीं पाया था, ऑडिशंस नहीं कर पाया था। लास्ट ईयर आई वेंट फॉर ऑडिशंस एंड दैट टाइम जीडी दिया मैंने। यू थिंक यू आंसर्ड माय क्वेश्चन सर? डू यू इवन रिमेंबर द क्वेश्चन? याद है मैंने क्या पूछा तेरे से? रोडीज़ का इतना क्रेज़ क्यों है? यू थिंक यू आर आंसरिंग इट? आई थिंक यस आई एम बिकॉज़ मैं विल यू कम टू द पॉइंट नाउ? ओके, क्रेज़ वाज बिकॉज़ आई कुडंट क्रैक द जीडी लास्ट ईयर, उससे पहले मैं ऑडिशन नहीं दे पा रहा तो वो क्रेज़ बढ़ता जा रहा था मेरे अंदर कि भाई मैं कैसे ऑडिशन दूँ, कैसे फर्स्ट राउंड को क्लियर करूँ एंड इफ आई एम गुड एट जीडी एंड दिस राउंड इज कॉल्ड जीडी व्हाई आई एम नॉट एबल टू यू नो गेट थ्रू द जीडी। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इंटरेस्ट्स मी, कैसे किया तूने अपने आप को इंप्रूव जीडी में? द जीडी सर आई रियलाइज दैट 9000 लोग, सबके पास ओपिनियन है, सेंसिबल ओपिनियंस भी हैं, इज जस्ट दैट हाउ सेंसिबल स्टिल हाउ डिफरेंट यू कैन बी। ट्राइंग टू बी डिफरेंट व्हिच मींस तू सच नहीं बोल रहा था ना? सर सच बोल रहा था। यू जस्ट सॉ व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज सेइंग एंड ट्राई टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। सच क्या है इसमें? सर सच ये था कि मैं अपना सच अपने हिसाब से प्रेजेंट किया। इफ यू वांट आई कैन गिव द एग्जांपल। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट मायसेल्फ। ओके सर, अपना ओपिनियन अपने तरह से प्रेजेंट किया। हाउ वाज दैट डिफरेंट? इट्स लाइक कि मैंने ये नहीं बोला कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सही क्या गलत क्या। आई सेड व्हाट आई डू। दिस इज व्हाई यू थॉट यू गेट सिलेक्टेड? यस सर। इधर ये पढ़ जरा, क्या लिखा है पढ़ाया जा रहा है? वेरी आर्गुमेंटेटिव college cocky as hell pizza ke baat ho gaya clear kyu select hua tu? yes sir do you understand that? Yes sir. apne jo fund hai na jeb mein rakh. okay don't try and assume what we are thinking. done. just read this next sentence yahan se. challenge the team to give an answer on what criteria a person is selected. what is that about? tell me. is there anything specific that you matlab the role ye nahi pucha tune? You challenge, the words that I used are, and my moderator is not idiots like you. Samjha? You challenged the team to justify why and how people are selected. Criteria kya hai? Tera jawab chahiye na? Sahi jagah aa gaya tu. Agla padhna. Abusers, sex, condoms and such isn't necessary to get selected. Ye tune likha? Yes sir. According to who is it not necessary to be selected? And all these which are our GD topics which are no I'm chup isko explain kar aur kuch nikla to daant tod dunga tere. sir main kuch aur use nahi karne ki koshish kar raha to main keh raha tha ki I hope maine sensibly form bhara hai so I hope is that what you written? what you written is sex abuses condoms is not necessary to get selected. this is what you written. don't test my patience. तेरे जवाब चाहिए अभी? तेरे को मैं जवाब दूं? 4 साल 4 साल कर रहा है, 3 साल को लाया उसमें से 1 साल तू गायब था और अगर तू 10 साल भी आ जाना एहसान क्या मेरे पे? I'm sorry sir. तू है कौन? तू कौन है? रघु, I'll tell you ये कौन है? मेरे शो में आते हो तुम साल दर साल, दंगों में तुमने भी अंदर छलांगे मारी हैं, तुम्हारी वजह से वो रोडी 6 का पूरा पंगा हुआ है जहां पर हमारे पूरी टीम अंदर फंसी हुई थी। रुक जा रघु, मैं बताता हूँ ये कौन है। ये वो कीड़ा है जिस पे हम हाथ लगा के गंदा नहीं करेंगे। इसको जवाब चाहिए, 3 साल आया, इसको जवाब मिलेगा और मॉडरेटर से ही मिलेगा। जोरावर, ये मॉडरेटर है हमारे, एक आइए आइए खड़े हो जाओ, इससे जवाब मांग, ये देखा तेरे डाउट्स क्लियर करता है। चैलेंज करिए इसे लेके।
कोई क्वेश्चन नहीं है सर. पक्का? पक्का. Are you sure? Yes sir. जरूर. इसके गले पे हाथ रख के बाहर फेंक इसे. वेन्यू के बाहर फेंक. बाहर सीधा ही. Can you explain to me कि ये क्या है? शो पे भी आना है, लाइमलाइट भी चाहिए, दंगे भी करने ऑडिशन में, हैं? मॉडरेटर से पंगे भी लेने, अंटर-शंटर लिखना उन्होंने फॉर्म में. Why do I owe them an explanation, Ranvijay? Why do I owe it to them? You don't. I don't owe you any explanation. क्या क्राइटेरिया है? नहीं, यू हैव अ प्रॉब्लम, मत ऑडिशन पे, मत देखो शो को. आई विल लिव विदाउट यू. ये मत सोचना कि हम में से कोई भी जवाबदार है तुम्हारी तरफ, समझ गए? और यू हैव क्रैक्ड द जीडी. हाय पिंकी. हाय. क्या हाल है? मैं पिंकी से मिल चुका हूँ. आप दोनों ने मिले, मैं आपको बता देता हूँ. ये रोडीज बैटल ग्राउंड 4 में इसने पार्ट लिया. फिनाले में 3 लोग जीते, उनमें से एक ये है. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. पिंकी, अपने बारे में कुछ बताओ. मैं गुवाहाटी से हूँ. मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ DU से. मैं यहाँ मई मंथ में आई हूँ. आई एम न्यू हियर, सो आई एम स्टेइंग हियर. जी, आपका नर्वस स्माइल है या आप वैसे स्माइल करती हैं लाइफ में? नर्वस स्माइल. पिंकी, रोडीज बैटल ग्राउंड में अक्सर बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो लोगों को अनकम्फर्टेबल कर देते हैं. हाँ, है ना? अगर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन भी हो, उनको कभी ज़्यादातर परेशानियाँ होती हैं रूडीज बैटल ग्राउंड के टास्क करने में, है ना? यू डोंट स्ट्राइक मी एज अ पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंट गर्ल. क्यों किया आपने ये सब बैटल ग्राउंड में? देयर वी हैव टू डू इन अ टीम वर्क, सो टीम वर्क करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. आई विल गिव यू अ बैड न्यूज एंड अ गुड न्यूज. बैड न्यूज इज कि आपकी हिंदी इज सिंपली नॉट गुड इनफ. हाँ, मुझे पता. राइट. गुड न्यूज इज आप दिल्ली में आ चुकी हैं. अगले साल तक आपकी हिंदी बहुत सुधर जाएगी. पिंकी, मैं चाहूँगा कि मैं आपको उस वक्त मिलूँ जब आप हम और आप कंफर्टेबली हिंदी में बात कर पाए. ओके. यू आर हैप्पी दैट यू रीच्ड द पर्सन इन द ओके. आई एम लकी इनफ आई फेस यू. आई केम हियर. यस यस. कैन आई गिव यू अ हग? श्योर. ऑलराइट. Thanks, sir. You're a very sweet person. Thank you for coming. Congratulations on Battleground. Take care. Sir. Work on your Hindi. It's important. All right? Give a five. Go. Bye, Biggie. Yes, sir. Once I want to hug you. Thank you, sir. What happened? Kya hua? Thanks, sir. After working hard, I came here because of my Hindi. I know it's no, not no, 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 no. So. I'll tell you. Hindi ka problem usko hai, mujhe nahi. I think you're too sweet for me to care about किस भाषा में आप बात करती हैं. थैंक यू सर. ठीक है, राजीव की बातों से आप ये समझ रही हैं कि आपका सेलेक्ट होने का चांस कम है. अभी हमने वो डिसीजन लिया नहीं. It's okay. Even I'm not selected, I think they are more eligible than me. ऐसा क्यों? I think they deserve more than me. It's okay because I don't know why I'm here. It's okay. I'm happy. Those who will be selected, I will be happy for that. And I'm very happy that I got to meet you. Thank you, sir. It's my pleasure, sir. Bye. Keep your spirits up, okay? Thank you, sir. Bye. Bye, sir. मेरे हिसाब से पता है ये बहुत ही स्वीट लड़की है. You really deserve a lot of things, good things, Pinky. लेकिन मैं आपको बताता हूँ. बिना चैलेंज हुए यहाँ पर आई है. उसने एक्चुअली फिनाले में कोई टास्क नहीं किया, कोई भी नहीं. ओके. एंड शी इज सिटिंग ओवर हियर. इसके साथ दो और लड़के हैं, उनको भी इंटरव्यू करना है अभी. ठीक है, दिल्ली में ही हैं वो. आई थिंक इससे कुछ ज़्यादा उन्होंने प्रूव किया है, तो उनका पलड़ा इस टाइम भारी है. पहले तो दोनों हाथ में